हेलो दोस्तों, आप लोग सीटेट या जो प्रधानाध्यापक वाला परीक्षा होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे होंगे, प्रधान शिक्षक का। तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के एमसीक्यूज़ हैं सीडीपी के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। ज़रा ध्यान से इसे देख लेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर करें। पहला सवाल है, बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 100 के मध्य, यानी कि उसका इंटेलिजेंसी जो है, आईक्यू जो है, वह 90 से 110 के बीच है, तो वह समान बुद्धि का बच्चा है। यदि बच्चे के इंटेलिजेंसी आईक्यू जो है वह 90 से 110 के बीच है, तो वह समान बुद्धि का बच्चा होता है। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो जो RTE है वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तीसरा सवाल है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? सबसे अच्छी विधि जो बच्चे की बुद्धि और विकास के लिए है वह है विकासीय विधि, डेवलपमेंटल मेथड। अगला सवाल है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? भावात्मक बुद्धि जो है वह गार्डनर के 7 बुद्धि के अधिमान में नहीं है। अगला सवाल है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की इंटेलिजेंसी होगी, यानी कि कोई बच्चा यदि दिमागी रूप से 5 वर्ष यानी कि उम्र से ज़्यादा तेज है, तो उस बच्चे की आईक्यू कितनी होगी? तो सही उत्तर है 125। अगला सवाल है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो यह कहा था स्किनर ने। अगला सवाल है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? सही उत्तर है 5 वर्ष में। हिंदी अक्षरों को बालक 5 वर्ष में पहचानने लगते हैं। अगला सवाल है, एलेक्सिया क्या है? तो सही उत्तर है पढ़ने की अक्षमता, यानी कि जब बच्चा सही तरीके से पढ़ नहीं पाता है तो उसे एलेक्सिया कहते हैं। अगला सवाल है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? सही उत्तर है 11 से 15 वर्ष। अगला सवाल है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 270 प्लस माइनस 10 दिन किया रहता है, या 280 दिन। अगला सवाल है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? सही उत्तर है पेस्टोलॉजी। अगला सवाल है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। अगला सवाल है, विकास के संबंध में गलत कथन है, विकास जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होकर के सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इसलिए विशिष्ट से सामान्य की ओर जो है वो गलत है। किसी बच्चे का विकास जो है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, यानी कि जब बच्चा रहता है बचपन में शैशवावस्था में गर्भकाल नहीं हो सकता है। अगला सवाल है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, मनोभौतिक एकता मतलब हो गया मन और जो भौतिक शरीर है उसका विकास, वो मनोभौतिक एकता कहलाती है।
अगला सवाल है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है किस चीज का? तो सिर का निर्माण सबसे पहले होता है, जब प्रेगनेंसी में बच्चा रहता है तो सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? लगभग 270 के आसपास हड्डियां जो है जन्म के समय बच्चों में होती है। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, बालक 3 महीने में अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। अगला सवाल है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, ब्रेन का कितना वजन होता है? वह है 350 ग्राम, जबकि एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार जो है 1350 से 1500 ग्राम तक होता है। अगला सवाल है, कल्पना जगत में विचरण होता है, शैशवावस्था एवं किशोरावस्था में कल्पना जगत में विचरण होता है। अगला सवाल है, बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, कितने वर्ष में बालक रंगों की पहचान करना सीख जाता है? तो वह है 5 वर्ष। अगला सवाल है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो ये शैशवावस्था में होता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो बच्चा सबसे पहले प्रकाश की ओर आकर्षित होता है। अगला सवाल है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, सही उत्तर है शांत। बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए, यानी कि उसे सही तरीके से सवाल का जवाब दे करके बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। अगला सवाल है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? सही उत्तर है 1930 ईस्वी में। अगला सवाल है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह है कौन सी चीज़? तो असुरक्षा। असुरक्षा पर का जो है सामाजिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला सवाल है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? आधारहीन आत्म चेतना अवस्था, ये चरित्र निर्माण से संबंधित अवस्था है। अगला सवाल है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यानी कि डेवलपमेंट के कारण जो है किसी व्यक्ति में अलग अलग क्वालिटी आते हैं, यह कथन किसका है? ये कथन है या कहना है हरलॉक का। अगला सवाल है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन है सेटेनली हॉल का। यानी कि किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। अगला सवाल है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं। यह परिभाषा दिया था कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह कहा था जीन पियाजे ने। अगला सवाल है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है किससे? शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से बच्चों के विकास को हम नहीं माप सकते हैं कि बच्चे का विकास, यानी कि बच्चे का विकास जो है बच्चों के वजन और उसके हाइट पर निर्भर नहीं करता है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है किस अवस्था में? तो प्रौढ़ावस्था में। अगला सवाल है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या जो है वो समायोजन है। अगला सवाल है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है किसका? तो स्टैनली हॉल का।
किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान और विरोध की अवस्था है, यह स्टैनली हॉल का कथन है। हम लोग देखते हैं ये किशोरावस्था में बच्चे सबसे ज़्यादा बिगड़ते हैं, इसलिए चूँकि उसके अंदर संघर्ष होते रहता है क्या करे नहीं करे, यह कथन था स्टैनली हॉल का। अगला सवाल है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चार अवस्थाएं होती है। अगला सवाल है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, लेकिन लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है, यह 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। अगला सवाल है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है धार्मिक वातावरण। अगला सवाल है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? कोहलबर्ग ने, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला सवाल है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहे पर किसने किया था? सवाल है, सही सवाल जवाब है मेंडल ने, वो चूहे पर प्रयोग किया था वंशानुक्रम से संबंधित। अगला है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? आंसर है, आसानी से चिढ़ने वाला बच्चा जो है ऊर्जावान मित्रवत बालक नहीं होता है। अगला सवाल है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है, सही उत्तर है 12 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था प्रारंभ होती है, उससे पहले शैशवावस्था होती है। अगला सवाल है, पूर्णतः प्रक्रियाशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? तो सही उत्तर है कार्ल रोजर्स ने। अगला सवाल है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिर तर्ज के विकास को समझने में सहायता की है? किस वैज्ञानिक ने बच्चों में वस्तु स्थिर तर्ज के विकास को समझने में सहायता की है? सही उत्तर है पियाजे ने, जीन पियाजे ने। अगला सवाल है, सूरज बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है, यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? सही उत्तर है सजीव चिंतन, बच्चा का यह कथन उसके सजीव चिंतन को इंगित करता है कि सूरज के साथ चलता है, या हम जैसे जैसे चल रहे हैं सूरज भी वैसे वैसे चल रहा है। अगला सवाल है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? सही उत्तर है नॉम चॉम्स्की, यह दावा किए थे कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जो है वह जन्मजात होते हैं। अगला सवाल है, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो विकास की लैंगिक अवस्था में बच्चे का ध्यान जो है जननांगों की तरफ जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? सही उत्तर है चित्रपूर्ति। अगला सवाल है, बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है? तो सही उत्तर है मनोविश्लेषणात्मक, बाल विज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। अगला सवाल है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? तो डार्विन ने। अगला सवाल है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? तो विश्वसनीयता, वैधता, मानक, ये सभी जो है मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है। धन्यवाद।